नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं छत पे वाटरप्रूफिंग कैसे करते हैं, इसका सबसे आसान और इजी तरीका और कैसे करते हैं इसकी पूरा हम आपको प्रोसेस में धीरे धीरे स्टेप बाय बताएंगे। दोस्तों, पहले अच्छे से छत की धुलाई कर लेना है। छत की अच्छे से धुलाई करने के बाद में जहाँ भी हमें करेक और खड्डे नज़र आए उसे सील पुट्टी की सहायता से अच्छे से भरे, अच्छे से कवर कर लेना है। हम आपको करने का इसका प्रोसेस दिखाते हैं। ये देखिए, जहाँ जहाँ हमें करेक आए छत पे वहाँ अच्छी तरीके से भर ले। जो बड़े खड्डे हैं उसको दोबारा भी भर सकते हैं हम सेकंड कोट में। वाटरप्रूफिंग में हम डॉल्फिन का काम में लेंगे। ये डॉल्फिन का है, इसमें हमने 1 लीटर डॉल्फिन लिया है और 5 लीटर पानी लिया है और 3 किलो सीमेंट लिया है। इसका अच्छे से पेस्ट बनाना है। आप चाहे तो ब्रश की सहायता से भी इसको कर सकते हैं, आप चाहे तो झाड़ू की सहायता से कर सकते हैं। हमें केमिकल को अच्छे से पिलाना है पूरी छत पे, फिर उसको 5 से 6 घंटे सूखने देना है। सूखने के बाद में हमें जहाँ हमने फर्स्ट कोट किया था जो गड्ढे और जो करेक हमें कवर नहीं हुए उसको हम सेकंड कोट में अच्छे से इसको कवर कर देंगे। बड़ी दरार होगी तो उसको 2 या 3 बार भर सकते हैं हम इस पर। पहले केमिकल पिलाना है, उसके बाद में इसको अच्छे से सील पुट्टी करनी है, वो भी डॉल्फिन के काम में लिए हमने। आप अदर कंपनी के यूज में ले सकते हैं, इसमें सील पुट्टी ही भरी जाती है। सील पुट्टी होने के बाद में हमें फाइबर जाली बिछानी है और हम इसमें डॉल्फिन का काम में ले रहे हैं केमिकल। आप अदर कंपनी का भी यूज में ले सकते हैं। दोस्तों, जो भी हम इसमें फाइबर जाली बिछाएंगे उस जाली 5 या 6 mm की यूज में लेवें। दोस्तों, हमारा फर्स्ट कोट कंप्लीट हो चुका है। होने के बाद में हमने इसको 5-6 घंटे सुखाया है अच्छी तरीके से। उसके बाद में सेकंड कोट किया है दोस्तों, और ये हमारा फाइनल कोट है। आशा करता हूँ दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। हमारे दी गई जानकारी से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ऐसी वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाले बटन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।